हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मम्मा की रसोई में। तो आज हम बनाएंगे एलोवेरा की सब्जी। इतनी स्वादिष्ट लगती है, अगर आप इसे एक बार बना लोगे तो बार बार बनाओगे। लेकिन एलोवेरा दो तरह के आते हैं, एक कड़वा और एक मीठा। तो मैं बताऊंगी किस तरह का एलोवेरा आपको लेना है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। एलोवेरा की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिए ये वाले एलोवेरा। इस तरह के आते हैं, लाइट ग्रीन। तो ये बिल्कुल मीठे होते हैं, मतलब। तो ये आप जरूर देख लें कि एलोवेरा कौन सा लेना है। तो बिल्कुल लाइट लीव लेने हैं इस तरह से। अब इन्हें मैंने धो लिया है और इनके दोनों के साइड से इस तरह से कांटे हटा देंगे। और ये जो हमने धोया है, इसका ये वाला पार्ट निकलता है, इसे हटा देंगे। और अब इनके हम पीस छोटे बड़े आप कैसे भी कर सकते हैं, इन्हें हमें छीलना नहीं है। बस इस तरह से मैं इनके पीस रखूंगी। तो इस तरह से हम सभी काट लेंगे। ये मैंने सभी एलोवेरा इस तरह से काट लिए और इनके दोनों साइड के ये अठा दिए। और पानी में उबाल आ जाए, पानी में उबाल आने के बाद ही हमें एलोवेरा डालना है। इन सभी एलोवेरा को डाल देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे नमक, आधी चम्मच नमक डाल देंगे और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। और अब इन्हें हमें पकाना है। मिक्स कर लेंगे एक बार और अब इन्हें हमें आधा कुक होने तक पकने देंगे। तो बस इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, देखते हैं कितना समय लगता है। गैस में फुली रखूंगी। तो इसे उबलते उबलते 3 से 4 मिनट ही हुए हैं, बस हमें इन्हें आधा कुक करना है। इस तरह से देख लें, ज़्यादा समय नहीं लगता, बस हल्का सा ही करना है। हल्का सा हम बाद में पकाएंगे इन्हें। तो गैस बंद कर देंगे, इसका हम पानी निकाल लें। तो मैंने इसका पानी निकाल लिया है और एक बार इसे पानी से धो लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने तेल डाला है, तेल गर्म हो गया है। मैंने इसे पानी से साफ कर लिया है, इसे एक बार पानी से धो लिया है। और 2 टेबल स्पून मैंने तेल डाला है। तेल मेरा मूंगफली का है, आप कोई सा भी ले सकते हो। जो आप रेगुलर खाते हो वो आप ले सकते हो। तो मैंने 2 टेबल स्पून तेल डाला है, तेल ज़्यादा नहीं डलेगा। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले जीरा। 1/4 चम्मच जीरा डाल देंगे और थोड़ी सी हम इसमें हींग डालेंगे। चाहो तो आप इसमें अदरक, लहसुन, प्याज, ये सभी चीज़ डाल सकते हो। अब इसमें डाल देंगे हम ये एलोवेरा। हम इसे बिल्कुल सिंपल सब्जी बना रहे हैं, ये रहेगी अचार जैसी सब्जी। अब इसमें हम डालेंगे सभी मसाले। आधी चम्मच लाल मिर्ची, आधी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच नमक, क्योंकि हमने नमक और हल्दी पहले भी डाला था। और मिक्स कर लेंगे। गैस सीमी है। अब अगर आपको लहसुन और प्याज डालना हो, तो जब हमने तेल में जीरा डाला था उस समय आप इसमें लहसुन, प्याज, टमाटर, अदरक, जो भी आप इसमें डालना चाहते हो वो आप इसमें डाल सकते हो। लेकिन हम इसे आज बना रहे हैं अचार की जैसे। तो बिना लहसुन प्याज, हरा धनिया, बिना हरी मिर्ची के ही बनाएंगे। काफ़ी टेस्टी लगती है ये और ये काफ़ी दिन तक भी चलती है, ख़राब नहीं होती। कहीं आप पिकनिक पर भी जा रहे हो तो आप इसे बना के लेके जा सकते हो। तो अब इन्हें मैं 5 मिनट करीबन तक सिम आंच पे पकने दूंगी। तो मैंने इसे 5 मिनट पहले पकाया था और 5 मिनट ही मैंने इसे अभी पकाया है। तो ये हमारी सब्जी बन गई। अब इसमें हम डालेंगे खटाई, क्योंकि खट्टी मीठी ही बढ़िया लगती है। तो आधे चम्मच से थोड़ी सी कम अमचूर पाउडर और 1 चम्मच चीनी। आप चीनी की जगह गुड़ भी डाल सकते हो और चीनी भी डाल सकते हो। और अब मैंने बताया आपको, इसमें आप हरा धनिया भी डाल सकते हो, लेकिन हम इसे अचार की जैसे बना रहे हैं ताकि ये 2 से 3 दिन तक चले, ख़राब नहीं होंगे।
बस अब इसमें चीनी गलने देंगे और देखिए दिखने में कितना सुंदर, और खाने में भी आप सोचोगे नहीं कि कितना बढ़िया लगेगा ये। बस चीनी गलने देंगे इसमें, और ये हमारी एलोवेरा की सब्जी कह दो, अचार कह दो, जो भी आप बोलना चाहते हो वो आप इसे बोल सकते हो। तो बस चीनी को गलने देंगे, और इसे पराठे पूरी के साथ खाओगे तो आप बोलोगे वाकई एलोवेरा की सब्जी स्वादिष्ट लगती है। तो देखिए गैस बंद कर देंगे और ये हमारी एलोवेरा की सब्जी बनके रेडी हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब्जी जरूर पसंद आएगी और आप इस तरह से जरूर ट्राई करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।